प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, कन्वर्जेंसी क्या होती है उनकी, कैसे चेक की जाती है उनके ऊपर चर्चा की। और उससे रिलेटेड बच्चों हमने एक टेस्ट भी पढ़ा था, कंपेरिजन टेस्ट। तो आइए बच्चों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और टेस्ट को पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपका पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या होगा, कैसे उसको अप्लाई करना होगा और क्या कंडीशन होगी जिससे आपका क्वेश्चन कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है, ये हमें पता चले। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप दिए गए क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि जो आपका क्वेश्चन है वो 1 अपॉन x की पावर में आ जाए। यानी आपको पास दो केस ऐसे बनाने होंगे भाई, या तो क्वेश्चन ऐसा दिखे आपको कि जो फंक्शन है आपका, जिसकी आपको कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंस चेक करनी है, वो 1 अपॉन x की पावर p से या तो ऑलवेज लेस दिखे आपको या ऑलवेज क्या दिखे, ग्रेटर दिखे। आपको इन दो केस में से कोई एक केस जो बन सके वो बनाना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप ये देखोगे कि भाई ये बनाने के बाद अब हमारा कंप्लीट फोकस किसके ऊपर रहेगा, पी के ऊपर, यानी एक्स की जो पावर है उसके ऊपर बच्चों आपका कंप्लीट फोकस रहना है। ठीक है, कि यदि जो आपने x की पावर p के फॉर्मेट में दिए गए क्वेश्चन को चेंज किया, तो जो यदि p जो है आपका वो बच्चों ग्रेटर देन 1 रहे, यानी जब आप इसको चेंज करोगे तो नीचे x की पावर तो बनेगी कुछ ना कुछ, चाहे कैसी भी बने, कोई फ्रैक्शन बने, प्लस में कुछ भी बने आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको ये चेक करना है कि जो p है वो ग्रेटर देन 1 है या नहीं। यदि आपका जो p है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो आपका जो डायरेक्ट जवाब होगा वो होगा कि ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। यानी बच्चों जो ये बॉक्स के अंदर, यानी इसको जो डिब्बे के अंदर मैंने बंद किया है, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो गया। अब ये यदि बच्चों कोई परिमित वैल्यू आपको दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू आपको दे रहा है, परिमित संख्या, तो आप खुद सोचो कि ये तो इससे छोटा है भाई, ये तो इससे छोटा है, और परिमित से छोटी संख्या क्या होगी, परिमित ही होगी। तो इसका मतलब अगर ये ऐसी बात लागू होती है तो ये फिर क्या हो जाएगा, अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, कन्वर्जेंट हो गया। यदि आपका क्वेश्चन जो आपने चेंज किया कुछ ऐसा बना रहा है कि ये जो वैल्यू है वो इससे ग्रेटर हो, लेस होने के बजाय क्या बन रही हो, ग्रेटर बन रही हो, बड़ी बन रही हो, तो आप क्या करोगे, पी पे आओगे। यदि पी लेस इक्वल 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा, और ये डाइवर्जेंट होने का मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। वो प्लस या माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट से ग्रेटर वैल्यू है वो भी अपने आप क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट ही होगी। ठीक है, और ये इनफाइनाइट होने का मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगी डाइवर्जेंट। अब बताइए बच्चों, जो कंसेप्ट है मैंने वो समझ आया नहीं है, क्लियर हो गई होगी बात की, x की पावर p के ऊपर ही फोकस करना है आपको। हाँ, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ 1 अपॉन x की पावर p ही बने, उसके अलावा कुछ और आपको फंक्शन साथ में दिखाई नहीं देने चाहिए। यदि आपको दिखाई देते हैं तो बच्चों फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, नंबर एक बात आपको ये खास याद रखनी है कि x के पावर p के अलावा आपको कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। तो आइए बच्चों, क्योंकि देखो टेस्ट की लैंग्वेज समझना एक अलग बात होती है और उसको अप्लाई करना एक अलग बात होती है। कुछ बच्चे टेस्ट को तो याद कर लेते हैं, कहें सर ये टेस्ट ऐसे होगा, लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं सीख पाते। और जब तक बच्चों आप टेस्ट को अप्लाई करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपके डाउट आते रहेंगे।
इसलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनके थ्रू इनको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपका बच्चों मेन उद्देश्य टेस्ट की प्रोसेस को समझना है, नहीं कि उसको रटना। तो बच्चों जो सिंपल से क्वेश्चन आपकी बुक के लेके चल रहे हैं, सबसे पहले 0 to ∞ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स कुछ ऐसा। अब इसके ऊपर फोकस कीजिए एक बार, यदि याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, शायद कोस था, वहाँ पे एग्जांपल था कोस था ना। तो बस सिंपल सी प्रोसेस है, जैसा बच्चों आप सब जानते हैं कि साइन एक्स इज ऑलवेज लेस इक्वल वन होता है। साइन एक्स है वो आपका ऑलवेज लेस इक्वल वन होता है या नहीं होता, ठीक है। तो बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉरी स्क्वेयर है बच्चों यहाँ पे, आई एम सॉरी बट ए स्क्वेयर है, ओके। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यानी इससे एक रिजल्ट नहीं बन जाएगा कि साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इज ऑलवेज लेस इक्वल वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, हाँ या ना। इतनी बस समझ आई नहीं, यानी मैंने क्या किया, दिए गए क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख दिया, तो यहाँ से मेरे पास एक कुछ वैल्यू ऐसी बन जाती है, इसको मैं लिमिट को यदि तोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी चलो बच्चों इस सब पढ़े रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज ऑलवेज लेस इक्वल। वैसे तो बच्चों देखो तो इसका इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आप देखो तो सीधा हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी आती है। यदि अब आपको एक बात समझनी है, यदि 0 to ∞ हो ना तब प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि इसका आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हो तो -1/(x) आएगा, वो तो इनफाइनाइट हो रहा है, लेकिन पी टेस्ट के अकॉर्डिंग तो ये बता रहे कि ये भी सारी। तो सबसे पहले आपको इसकी लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। आप इसकी लिमिट को कुछ ऐसा लिखोगे, ठीक है, वो इस स्टेप को एक बार हम बाद में यूज करेंगे, ओके। इस स्टेप को हम बाद में यूज करेंगे, पहले इसकी लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा आपको। 1 to ∞ साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन, ठीक है। अब आपको लिमिट क्यों ब्रेक की उसका रीजन समझ आ गया होगा, क्योंकि बच्चों यदि मैं 0 to ∞ ही रखूँगा तो जो 1/(x)² है वो दोनों बातें बता रहे हैं। यदि हम वैसे सॉल्व करें तो अपसारी है, और पी टेस्ट लगाएं तो अभी सारी है, तो कन्फ्यूजन हो गया ना। तो आप लिमिट को ब्रेक करो, ठीक है। तो लिमिट को ब्रेक कर लिया। अब चूंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही नहीं है, इसका बच्चों क्लियर आंसर आ जाएगा आपको। कैसे आ जाएगा कि आप क्या करो, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, रिजल्ट बन जाना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर यदि मैं फोकस करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखो ये ऑलवेज लेस इक्वल 1/(x)² है या नहीं है, और यदि आप इस पर पी टेस्ट लगाओगे तो जो p की वैल्यू 2 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है ना, और ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब ये आपका क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, यानी अभिसारी होना चाहिए। सीधा बच्चों आप इस पे p टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट रहेगा क्या, प्रोसेस समझ आ गई होगी। यानी सिंपल सा काम आपका क्या रहेगा कि आप पी टेस्ट, हाँ कहियो के माइंड में आएगा सर इसका सीधा इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे यदि मान लो भाई 1 to ∞ था, यदि 0 to ∞ भी बनाते हो, क्योंकि बच्चों ये उससे छोटा है, बड़ा नहीं है, बड़ा होता तो प्रॉब्लम होती, छोटा फंक्शन बनाए ना तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार सुनो इन्फिनिटी से छोटा जो है वो इन्फिनिटी ही हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना, आप बड़ी वैल्यू वो इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, तो बस थोड़ी सी ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों और इजी है,
नेक्स्ट है कि वन टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है वन टू इन्फिनिटी और आपके पास जो फंक्शन है कुछ ऐसे है, डी एक्स अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ये रूट है, मैंने सिर्फ हाफ लिखा है, ठीक है, चलो रूट लिख देता हूँ। बच्चों यदि आपको याद हो, सबसे पहले तो एक बात सुनो कि ऐसा ही आपने क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आप शायद कर चुके हो ट्वेल्थ क्लास में, इस तरीके के एग्जाम्पल को क्वेश्चन को आप किए कर चुके हो। हाँ, लेकिन शायद वो इंटीग्रेशन कई होंगे, याद हो ना हो, तो हम एक बार पी टेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बच्चों देखो, आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, वही आप जानते ही हो। इसका मतलब कि वन अपॉन जो एक्स स्क्वेयर है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इससे, और जो वन अपॉन एक्स स्क्वेयर का रूट है वो भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा है या ना। सदैव बड़ा होगा या नहीं होगा। तो अब आप समझ चुके हो कि भाई इसकी जगह यदि मैं ये यूज करता हूँ तो जो नया रिजल्ट आएगा वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज डी एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन अपॉन इन्फिनिटी, सही है, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बात समझ आई। हाँ तो बच्चों ऐसी बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए, याद रखना, सीधा आप कन्फ्यूज में तो जब भी नीचे वाली संख्या हटा रही हो, आप सोच रहे हो भी कोई सोचेगा कि सर मैं तो एक हटा रहा हूँ, तो एक हटाने पे वो छोटे होने चाहिए, लेकिन आप देखो नीचे लगी हुई है, नीचे वाली संख्या छोटी होने का मतलब है ऊपर वाली जो संख्या अपने आप बड़ी हो जाएगी उसके कंपेरिजन में, यानी जो रिजल्ट है वो बड़ा बनेगा, ठीक है। ये x होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और वैसे p की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर दे बड़ा है 1 से, यानी आपका ये जो रिजल्ट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। आराम से देखो, कोई डाउट है बताओ, बात दिमाग में आ गई। बच्चों ये नहीं कि ऐसे और एग्जांपल हैं आपकी बुक में, ऐसे बहुत क्वेश्चंस भी हैं, हम उन सभी को करेंगे, लेकिन एक बार हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि टेस्ट आपके समझ आ जाए, क्योंकि अगर टेस्ट एक बार प्रोसेस समझ आ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों कुछ बातें होता है, यदि कुछ ऐसा याद रखना, एक्स माइनस वन इज ऑलवेज लेस देन एक्स होता है, तो यदि वन माइनस एक्स करोगे तो ग्रेटर होगा, याद रखना, यानी जब प्लस में आप रिमूव करते हो तो जो रिजल्ट होगा वो पहले वाले से बड़ा आएगा, माइनस वाले को हटाते हो तो पहले वाले से क्या आएगा, छोटा आएगा, क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। अब बच्चों एक नया टेस्ट अपन सिखाते हैं, म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट क्या है वो देखिए, म्यू टेस्ट इसको अप्लाई करें। देखिए अप्लाई करने से पहले इसके प्रोसेस को समझिए बच्चों। देखो आपको ये सबसे पहले अप्लाई कब किया जाएगा, ये कुछ इस तरीके का टेस्ट होगा, और ये तभी अप्लाई करना है जब आपके एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों एलजेब्रिक फंक्शन हो, क्या हो, एलजेब्रिक फंक्शन हो, यानी कोई ना कोई एक्स के पॉलीनोमियल हो, तभी अप्लाई करना है। यदि साइन कोस या लोग या ई की पावर एक्स ऐसा कुछ दिखाई दे उस कंडीशन में आप म्यू टेस्ट को अप्लाई नहीं करोगे, बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। म्यू टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है, म्यू टेस्ट बच्चों सिर्फ तभी अप्लाई करना है जब आपके पास ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन एक्स के पॉलीनोमियल हो, यानी एक तरीके से आपके पास वो एलजेब्रिक फंक्शन हो, यानी बीजगणितीय फलन हो, तभी अप्लाई करोगे, अदरवाइज ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर एम है, ठीक है, और इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर एन है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इससे फिर आपको ये देखना है, बाकी आगे क्या है उसके ऊपर एक बार फोकस मत कीजिए। इस टेस्ट को समझने के लिए आपका काम क्या रहेगा,
सबसे पहले आप क्या करो कि ऊपर जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसके ऊपर फोकस कीजिए, और जो नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर है उसके ऊपर फोकस कीजिए। कर लिया। इसके बाद भी देखो कोशिश की कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो m इक्वल एन हो सकता है या m ग्रेटर देन एन हो सकता है या m लेस देन एन। यदि इक्वल एन है तो कोई दिक्कत नहीं, इस केस को ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, m इक्वल एन वाला केस आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा। आपको दो केस ही मिल सकते हैं। पहला केस तो ये होगा कि m है वो n से ग्रेटर हो या n से लेस हो। तो आप क्या करोगे कि x की पावर म्यू यूज करोगे, यानी आप ऊपर कुछ ऐसी पावर का मल्टीप्लाई करोगे x की पावर म्यू का कि x की ये फिर क्या बन जाएगा, म्यू प्लस m और ये हो जाएगा n कुछ इस तरीके से। अब कहोगे म्यू क्या होगा, तो म्यू कुछ ऐसा होगा कि म्यू प्लस जो m है वो आपका किसके इक्वल आ जाए, n के इक्वल बन जाना चाहिए। जो म्यू प्लस m है वो बच्चों आपका किसके इक्वल आ जाना चाहिए, n के इक्वल बन जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए भाई यहाँ पे नीचे पावर 3 है ऊपर 2 है तो 1 हो जाएगा मान, नीचे 10 है ऊपर 4 है तो म्यू का मान 6 हो जाएगा। यानी उतनी पावर तो लेनी है ना आपको जिससे वो क्या बन जाए, उसके इक्वल बन जाए। ठीक है, तो उस के बाद आप म्यू को देखो, यदि म्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है या म्यू क्या हो सकता है, लेस इक्वल 1। ये केस है तो आप क्या बोलोगे, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, और ये केस है तो आप क्या बोलोगे, डाइवर्जेंट यानी अपसारी। बात दिमाग में बैठी। यदि आपका म्यू ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, और म्यू लेस इक्वल 1 है तो अपसारी यानी डाइवर्जेंट। बात दिमाग में बैठी गई होगी बच्चों को, या अभी भी कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग में घूम रही है अभी जिससे डाउट हो, समझ नहीं आ रही हो प्रोसेस, या दोबारा बताने की जरूरत है? सिंपल सा काम होगा, ऊपर भी पॉलिनोमियल मिलेगा एक्स का, नीचे भी कोई ना कोई पॉलिनोमियल, दोनों भी एलजेब्रिक होंगे। ऊपर एक्स की हाईएस्ट पावर देखो, नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर देखो। ऐसा क्या करें, यानी ऊपर एक्स की कितनी पावर का मल्टीप्लाई करूं कि वो नीचे वाली के इक्वल आ जाए। तो जिस पावर को आप ले रहे हो यदि वो ग्रेटर देन बने तो भी सारी, लेस देन बने तो अब सारी। तो ये बच्चों इसकी बुक की ही एक दो क्वेश्चन है, उनके थ्रू हम ये बात समझते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन मोस्टली अप्लाई होगा, न्यू टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए म्यू टेस्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, यानी जैसे जहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन दिखेंगे वहाँ पे म्यू टेस्ट अप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या है, 0 to infinity x की होल पावर 3/2 डिवाइड बाई b² x² + c² तो सबसे पहले सिर्फ आप फंक्शन को देखो, ये i है, आप i1 नया फंक्शन बनाओ। ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3/2, नीचे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। 3/2 को 2 के इक्वल बनाना हो तो 3/2 में मैं कितना ऐड करूं, 1/2। यानी इसके लिए मैं क्या करूं, x की पावर 1/2 का ऊपर नीचे क्या कर दूं, कुछ ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा बच्चों, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन भी इजी हो गया। क्यों, क्योंकि देखो बी स्क्वेयर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सी स्क्वेयर ऐड करो, सी स्क्वेयर माइनस तो वो अलग करो तो वो तो 1 होगा, और इसमें से 10 इनवर्स आएगा, यानी आंसर आ जाएगा। लेकिन बात है जो आपने एक्स की पावर हाफ ली है उसका यदि कंपेरिजन आप एक्स की पावर म्यू से करोगे तो म्यू आएगा 1/2 यानी लेस इक्वल 1 है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, अपसारी। इसका अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, बहुत इजीली इसको सोल्व भी कर पाओगे। ठीक है, हाँ, लेकिन रिजल्ट इसका क्या आएगा, अपसारी आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट है 0 to infinity एक्स डी एक्स अपॉन 1 + x की होल क्यूब। यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको थोड़े बहुत डाउट आएगा, प्रॉब्लम लगेगी, बच्चों वास्तविकता में इसमें बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो, एक तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, कितनी लेंथी प्रोसेस होगी। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली भी किया जा सकता है पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से,
ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। वन ऐड करोगे, वन माइनस करो, अलग अलग कर लो, हो जाएगा। लेकिन अब ये सारी और अपसारी का केस यदि देखें, एक तो ये केस होगा कि एक ऐड करो एक माइनस करो, तो अलग अलग करोगे ना तो इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, या तो वो कर लो। यदि आप म्यू टेस्ट अप्लाई करना चाहते हो तो I1 आपका बनेगा एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स अपॉन एक्स की होल क्यूब। तो यहाँ से जो x की पावर म्यू है वो आपके पास बच्चों किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वेयर के इक्वल आया। x की पावर जो म्यू है बच्चों वो आपके पास किसके इक्वल आया, वो आया एक्स स्क्वेयर के, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा कि जो म्यू है वो ग्रेटर देन वन है, और म्यू जो ग्रेटर देन वन है वो आपका क्या रिजल्ट बताएगा, अभिसारी। बात समझ में आई, सिंपल है या नहीं है बच्चों? सिर्फ आपको ऊपर और नीचे की पावर का ही तो डिफरेंस करना है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, देखो 0 to ∞ एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, कुछ ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, x की पावर 2m, x की पावर म्यू का मल्टीप्लाई कर दो x की पावर 2n प्लस 1। तो यानी मेरे पास क्या होना चाहिए कि x की पावर 2m प्लस म्यू इक्वल टू होना चाहिए x की पावर 2n के, यानी 2m प्लस म्यू इक्वल टू 2n। तो म्यू क्या होगा, 2 कॉमन लेकर n माइनस m। तो बच्चों अब यहाँ से पता चलेगा यदि 2n माइनस 1 ग्रेटर देन m 1 सॉरी, तो ये अभिसारी होगा। और यदि 2 इंटू एन माइनस एम लेस देन 1 इक्वल 1 हो तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी। ये लीजिए बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट है, कोई डाउट है तो बताइए। बच्चों आपको जो लैम्डा और म्यू टेस्ट है वो अप्लाई करने समझ आया या नहीं आई? बच्चों म्यू टेस्ट आना कंपलसरी है, हर हाल में आपको आना चाहिए, क्योंकि जो आपकी चैप्टर एक्सरसाइज है उनके जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो म्यू टेस्ट से होंगे। पी टेस्ट सिर्फ याद रखने के लिए काफ़ी है, बाकी पी टेस्ट सभी जगह काम कारगर नहीं है, यानी हमारी हेल्प इतनी नहीं कर पाएगा। या तो कंपैरिजन टेस्ट या म्यू टेस्ट, या जो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे एबल और डिजली टेस्ट, वो हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की जो प्रोसेस है वो सारी समझ आ गई होगी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी जानकारी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।